गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मैथ्स का सेकेंड चैप्टर फन विद नंबर्स चल रहा है तो लास्ट डे हमने आपको समझाया था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के नंबर के बारे में तो उसी टॉपिक में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए बच्चों इस आपको समझाने के लिए मैंने कुछ ये घर में जो भी अवेलेबल था मेरे पास स्टिक्स मैंने यूज़ की हुई है आप लोग इस स्टिक्स के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है तो पहला हम लोग इसमें लेके चलते हैं पिक्चर नंबर वन ये देखिए इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं देखिए क्लास थर्ड है ठीक है क्लास थर्ड के बच्चे हैं असेंबली में खड़े हो रखे हैं तो असेंबली में कैसे खड़े हो रखे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रखे हैं और यहाँ पे एंड आई तो ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने ब्रूम की स्टिक्स लगाई हुई है स्टूडेंट्स दिखा रही है तो देखिए आप लोग इस पिक्चर में क्या स्पेशलिटी देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको क्या स्पेशल है यस yes, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों इस पिक्चर में ये स्पेशल है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट हाइट का है जो सबसे छोटी हाइट का बच्चा है वो सबसे आगे खड़ा है उससे बड़े हाइट का उसके पीछे उससे बड़ी हाइट का उसके पीछे ऐसे ही खड़े होते हैं ना आप लोग असेंबली में जो सबसे छोटी हाइट का होता है और जो सबसे टॉल है बच्चा जो सबसे बिगेस्ट है सबसे टॉल है वो बच्चा कहाँ है सबसे पीछे खड़ा हुआ है तो देखिए हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं कि देखिए स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ये दिखा रहा है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर तो इसे कहते हैं बेटा बिट, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर दिस इज असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग मैंने आपको लास्ट डे भी समझाया था वो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में छोटे से बड़ा यानी कि साइन क्या आएगा छोटा यानी कि क्रोकोडाइल की जो टेल होती है वो किस साइड आती है स्मॉलेस्ट की ओर एंड उसका ओपन माउथ बड़े नंबर की ओर ग्रेटर नंबर की ओर तो ये साइन यूज़ होगा असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है तो बच्चों अब हम चलते हैं पिक्चर नंबर टू की ओर ये देखिए इस पिक्चर नंबर टू का सबसे पहले आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए ये आपको क्या दिख रहा है क्या लिखा हुआ है आपको क्या दिख रहा है तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है स्पोर्ट्स डे देखिए स्पोर्ट्स डे का दिन है और स्पोर्ट्स डे के दिन में आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स खड़े हो रखे हैं किस तरीके से खड़े हो रखे हैं ये स्टार्टिंग है यहाँ स्टार्टिंग वाला खड़ा है या एंड हो रखा है तो, तो आप लोग क्या ध्यान से देख रहे हैं क्या है स्पेशलिटी दिख रही है और दूसरी वाली पिक्चर से क्या डिफरेंट इसमें आपको दिख रहा है सोचिए येस yes, आप लोग बिल्कुल सही आपका माइंड चल रहा है बच्चों इसमें यह है कि जो बिगेस्ट वाला है जो सबसे टॉलेस्ट बच्चा है हाइट का जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सबसे आगे खड़ा है जो उससे थोड़ा हाइट का छोटा है वो दूसरे नंबर में है फिर उससे जो हाइट का छोटा है वो तीसरे नंबर में इस तरह से बच्चे जो हैं लगे हुए हैं जो सबसे छोटी हाइट का बच्चा है वो सबसे लास्ट में लगा हुआ है तो देखिए ये आ, आ, आप लोग एरो के माध्यम से देखेंगे तो ये किस तरीके से स्पोर्ट्स डे के दिन बच्चे क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से लगे हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि टलेट टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट को हम लोग यहाँ पे बेटर होगा कि बिगेस्ट बोल दे बिगेस्ट मैं इसे यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें नंबर्स को मैं समझाने के लिए यूज कर रही हूँ अदरवाइज बिगेस्ट यानी कि यहाँ पे हम लोग टॉलेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं मैं लिख भी देती हूँ इसको देखो बच्चों मैंने टॉलेस्ट भी लिख दिया है वैसे बिगेस्ट का मतलब था नंबर्स के लिए ठीक है तो देखिए टॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बेटा इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और इस तरह से बिग्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको पता है बिग्स्ट मतलब बड़ा यानी कि का ओपन माउथ आना चाहिए स्मॉलेस्ट पहले हमेशा बिगेस्ट वाला नंबर लिखना है तो, तो देखिए यह है असेंडिंग असेंडिंग क्वेश्चन मतलब किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको समझाती हूँ ये देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे हु� आपको तो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि असेंडिंग का मतलब क्या मैम ने बताया था असेंडिंग मतलब वो पहले वाली पिक्चर बताई थी आपको याद है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या था वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ये मैं आपको बस रिमाइंड कराने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब आप कॉपी में इसको करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ठीक है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर ग्रेटेस्ट अब ये इसे छाटना कैसे स्मॉलेट टू ग्रेटेस्ट यानी कि आपको नंबर्स के सीक्वेंस देखना है तो मैंने आपको बताया था यानी कि एक तरह से नंबरों को कंपेयर करना है नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था सबसे पहले ये वंस टेंस और हंड्रेड एक नंबर के ऊपर लिख रही हूँ बाकी के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है मैंने आपको समझा था हंड्रेड्स वाली डिजिट कंपेयर करनी है तो ये है आपके पास हंड्रेड वाली डिजिट कौन सी है थ्री यहाँ पर रफ वर्क मैं कर रही हूँ थ्री उसके बगल में हंड्रेड वाली डिजिट कौन सी है सेवन फिर हंड्रेड वाली डिजिट वन फिर आपके पास फोर और फिर आपके पास लास्ट में सिक्स ये देखिए अब हंड्रेड वाली डिजिट्स को अगर मैं कंपेयर करने लगू यानी कि इन नंबरों को मैं अगर कंपेयर करूंगी तो हम लोग देखेंगे वन से स्टार्ट करेंगे देखो सबसे पहले वन टू तो, थ्री इसी तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं तो वन कहां पर आ रहा है यहां पर यहीं से स्टार्ट हो गया वन यानी कि वन कौन सा वाला नंबर वन थर्टी तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वन थर्टी तो एक तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ जो नंबर आप लिख लेते हो उसको सर्कल कर दिया करो इसका मतलब वो नंबर आप लिख चुके हो नेक्स्ट वन के बाद आता है टू इसमें है नहीं टू के बाद थ्री येस थ्री वाला नंबर प्रेजेंट है यानी कि ये यानी कि थ्री हंड्रेड फोर्टी टू ये दूसरा नंबर आ गया है ये आप लिख चुके हो तो आप इसको सर्कल कर दोगे थ्री uh, थ्री के बाद क्या आता है फोर फोर वाला नंबर है हाँ ये देखिए ये है फोर वाला नंबर तो फिर नंबर आ जाएगा फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन फिर फोर के बाद आता है मैं काउंटिंग कर रही हूँ बेटा वन से लेकर नाइन तक की जो पहले पढ़ रहा है उसको लिख रही हूँ फोर के बाद आता है फाइव प्रेजेंट नहीं है सिक्स वाला नंबर ये है 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 ना तो इसको लिख लेती हूं। के बाद आता है, नंबर नंबर वाला सेवन ये है तो ये आ गया सेवन हंड्रेड फोर इस तरीके से आपने सारे नंबर्स को आपस में अरेंज कर दिया है देखो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में लेके चल रही हूँ आपको समझाने के लिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट उसको सबसे पहले लेना है तो जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में मैंने काउंटिंग कहाँ से करनी शुरू की वन से लेके शुरू की और नाइन तक मैं गई उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उल्टी काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग करेंगे नाइन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ के लिए जाएंगे नाइन से स्टार्ट करके वन के हो जाएंगे यानी कि नाइन एट सेवन सिक्स ठीक है और देखना कौन सा वाला नंबर है पहले हंड्रेड डिजिट वाला नंबर आपको पहले देखना है बस जिनको मैंने अंडरलाइन किया उन्हीं को आप लोग देखते हुए चलेंगे ठीक है तो स्टार्ट हो जाइए सबसे पहले हमने क्या बताया था नाइन टू वन चल रहा है नाइन नाइन की डिजिट आ रही है कहीं पे जी नहीं नाइन की डिजिट नहीं है नाइन के बाद एट एट की डिजिट है यस एट की डिजिट वाला नंबर ये है एट तो सबसे पहले हमारा नंबर आ गया एट इसको सर्कल कर देते हैं ये सर्कल करना आप पे डिपेंड करता है आप करें या नहीं करें ठीक है एट के बाद आ जाएगा सेवन की लाइन नहीं है सिक्स की लाइन यस सिक्स की लाइन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा सिक्स फोर्टी टू फिर आ जाएगा सिक्स के बाद फाइव की लाइन यस yes. ये वाला नंबर प्रेजेंट है फाइव के बाद आ जाएगा फोर की लाइन mm -hmm. प्रेजेंट नहीं है फिर थ्री की लाइन यस yes. ये थ्री की लाइन प्रेजेंट है उसके बाद थ्री का नंबर आ जाता है फिर टू की लाइन यस लास्ट वन टू की लाइन ये है फिर वन की लाइन नहीं कंप्लीट हो चुके हैं तो ये हमारा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपका आंसर हो चुका है आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वन टू नाइन लेके चलेंगे आप सीक्वेंस डिसेंडिंग नाइन टू वन लेके आप लोग इसको चलेंगे और बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी असाइनमेंट में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें मैं आपको लास्ट में एक बात और समझा देती हूँ अगर दो नंबर्स का सीक्वेंस एक बराबर हो गया हंड्रेड डिजिट्स एक बराबर आ गई ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में या कोई डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी क्वेश्चन हो अगर हमें ऐसे कंपेयर करना हो गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं पहले फोर नाइन फोर सिक्स हंड्रेड हंड्रेड डिजिट कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे वन की लाइन का नंबर नहीं है टू की लाइन का नंबर नहीं है थ्री की लाइन का नंबर नहीं है फोर की लाइन का नंबर में हम लोग देखेंगे अरे फोर की लाइन में तो ये वाला भी आ रहा है फोर हंड्रेड सेवेंटी टू और फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन भी आ रहा है तो अब इन दोनों में से अगर हंड्रेड डिजिट सेम हो गई तो मैंने लास्ट आपको समझाया था आप लोग क्या करेंगे फिर टेंस वाली डिजिट कंपेयर करेंगे इसकी टेंस वाली डिजिट में कौन सा नंबर है सेवन इसकी टेंस वाली डिजिट में कौन सा नंबर है फाइव तो कौन सा वाला नंबर पहले आएगा फाइव पहले आता है यानी कि फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन पहले आएगा एंड फोर हंड्रेड सेवेंटी टू बाद में आएगा हो गई फोर की लाइन कंप्लीट फिर फाइव की लाइन कहीं नहीं है ये है आपके सिक्स की लाइन सेवन की लाइन नहीं है एट की लाइन नहीं है लास्ट में यह है आपकी नाइन की लाइन इस तरह से चाहे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हो कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाता है कि हंड्रेड डिजिट सेम हो जाए तो आप टेंस डिजिट की ओर मूव करोगे और अगर टेंथ डिजिट भी सेम हो जाए तो फिर आप लास्ट में वंस डिजिट की ओर मूव करोगे तो बेटा अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रही हूँ असाइनमेंट को आप अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे थैंक यू